अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर मदसर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने पीसी का और मोबाइल का आईपी एड्रेस मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है अपने इंटरनेट पर, राइट क्लिक करना है और ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है चेंज योर नेटवर्क सेटिंग्स में, चेंज अडाप्टर ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो भी इंटरनेट मौजूद होगा आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं अभी वाईफाई चला रहा हूँ, तो मैं अभी वाईफाई पर ऑन हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मौजूद है हमारे पास 3 नंबर पर स्टेटस। स्टेटस पर क्लिक करने के बाद मैं डिटेल में जाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना आईपी एड्रेस। इसी तरह से आप अपने जो कार्ड है उसका भी आईपी एड्रेस, अभी क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, जब कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा, स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो सेम तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड है, उसके लिए आपने अपने कमांड परमिट में जाना, सीएमडी टाइप करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा आईपी कॉन्फ़िग, तो इस तरह से आप अपना आईपी एड्रेस यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा मेथड है वो है इंटरनेट। मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करूंगा और यहाँ टाइप करूंगा myipaddress.com, तो यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस मौजूद है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस 3 वेज में चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने मोबाइल का आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाएंगे, तो मैं गूगल पर जाता हूं और यहां टाइप करता हूं जैसे मैं टाइप करूंगा तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल है इसका आईपी एड्रेस यहां पर मौजूद है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर और अपने मोबाइल पर अपने मोबाइल का और अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।